एक जमाने में ये पूरा क्षेत्र नक्सल प्रभावित था। 9 साल के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्य सरकारों को साथ में लेकर, इसमें राज्य सरकारों की भी बड़ी भूमिका है, साथ में लेकर नक्सलवाद पर नकेल कसने का सफल प्रयास किया है और उसके नतीजे भी आए हैं। 2015 से 2019 तक नक्सल घटनाओं में जो संख्या थी उसकी 30% कमी आई है, मुठभेड़ों में 32% कमी आई है, मारे गए सुरक्षा कर्मियों की संख्या में 56% कमी आई है और टोल पेंटिंग के अंदर भी बहुत बड़ी कमी आई है। मैं आज ओडिशा सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि नक्सल आंदोलन को नकेल कसने में ओडिशा ने और नवीन बाबू ने हमेशा हमारा समर्थन किया है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये नक्सलवाद के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ने के लिए कटिबद्ध है। आज जब मैं ओडिशा में आया हूं तब इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ओडिशा के लिए नरेंद्र मोदी जी ने ढेर सारा काम किया है। धर्मेंद्र जी ने टोटल कंट्रीब्यूशन का आंकड़ा दिया, मैं डिवोल्यूशन फ्रंट और ग्रांट इन एड की बात करना चाहता हूं कि यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब उन्होंने 1,14,000 करोड़ रुपया दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दोनों ही हेड के अंदर 4,57,000 करोड़ रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और कुल मिलाकर योगदान को लेके तो 3 लाख से बढ़ाकर 18 लाख करोड़ तक का योगदान बढ़ाया गया, जो 6 गुने से ज्यादा है। ढेर सारी चीजें हुई हैं, रेलवे के लिए 10,000 करोड़, 800 करोड़ की लागत से इंडियन ऑयल की पाइपलाइन, आईआईटी भुवनेश्वर, एम्स बनाने का काम हुआ, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान केंद्र को यहां लाया गया, लगभग ईएसआई अस्पताल भुवनेश्वर का भी उन्नयन किया गया और भुवनेश्वर एम्स की स्थापना 1500 बिस्तर वाले वो करने का काम भी किया गया।